ए पॉइंट लिख लिया सबने। अच्छा लिखने में बड़ी ना ढीलापन दिखाते हैं आप, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है। फॉर्मेट बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट का, आपको पता है मुझे मालूम है, फिर भी बना दीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स तक डेबिट कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इस समय बना रहे हैं आप सभी, ग्यारहवीं क्लास से आप बनाते आ रहे हैं। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया होगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही फाइनेंशियल अकाउंट्स में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी होगी तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच लगाएंगे। तो देख लेते हैं क्या होती है। मैंने नीचे लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर कॉस्टिंग इंक्लूड्स रॉ मेटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स को हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज आपको मैंने अभी बतानी है, मैं इसका रंग भी चेंज कर रहा हूं, आप भी हाईलाइट कर दें। प्लस ऑफिस ओवरहेड्स। और अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ अलग तरह की होती है। पहले बताओ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, अब लिखें एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। ध्यान से देखिए, आराम से मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया है। एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वहां पे भी था यहां पे भी है, डायरेक्ट लेबर वहां भी था यहां भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां भी है यहां भी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स वहां भी था यहां भी है, लेकिन वहां पर एक चीज और थी, यहां पे वो चीज नहीं है, बताइए क्या? ऑफिस ओवरहेड्स। बहुत बढ़िया, ऑफिस ओवरहेड्स, क्योंकि यहां की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ अलग है और वहां की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है। ठीक है, बस ई पॉइंट लिखिए फिर मैं समझाता हूं, फिर आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर ई भी लिख लीजिए, अगर लिख लिया हो तो आप क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आ जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे और वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए। जून दिसंबर की दुनिया चलती रहेगी, आपको इस दुनिया से बाहर आ जाना, बस क्वेश्चन नाइन्थ इंपॉर्टेंट है आने वाले अटेम्प्ट के लिए। तो आइए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को पढ़ लें, और आपकी जानकारी के लिए देखिए अगले पेज में मैंने क्या लिखा है, अगले पेज में देख लीजिए कितनी बार आ चुका है, देख लीजिए अगले पेज में लिखा मैंने कुछ, सीएस के जून 2012 में आ चुका है, सीए सीए सीएमए में आ चुका है, सीएमए की स्टडी में है, 50 बार आ चुका है, देख लो लिखा हुआ है, सीए सीएस को मिलाएं, सीएस और सीएमए को, तो 50 बार आ चुका है, सीए को मिलाएं तो कितनी बार आ चुका है, 30 बार, 80 बार तो क्वेश्चन आ गया। फिर मैंने लिखा एक द था टाइगर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये करके जाना चाहिए, मैंने इतनी सारी बातें लिखी है इसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं, आइए मैं
चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार दोबारा से पढ़ लें, बड़ी प्रीचियस बातें करनी है। पढ़ लीजिए एक बार सारा क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। अब देखिए आपका नजरिया पढ़ने का दूसरा होगा, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा पहली बार पढ़ने के कंपैरेटिवली। तो एक बार पढ़िए फिर मैं अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने शुरू कर दूंगा। हाँ जी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ध्यान से पढ़िए, आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, बस मैं बात कर रहा हूं आपने मेरे को देखना शुरू कर दिया, क्या बोल रहा है मास्टर। मैं कह रहा हूं नीचे मैंने लिखा है, एक यहां पे लिखा है सेल्स लिखा हुआ है। चलिए पहली चीज लिखिए सेल्स 24 लाख रुपए। मुझे बताइए ये सेल्स एक महीने की है या 12 महीने की है। अच्छा कुछ भी नहीं दिया हो तो हम 12 महीने की मानते हैं क्योंकि बनता ही अकाउंट 12 महीने का है, ठीक है। मेटीरियल कंज्यूम्ड 6 लाख रुपए, ये भी पूरे 12 महीने का है, ठीक है। वेजेस पेड, अब देखिए मैं आपके सामने पहले एक चीज कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए बोलना मत। वेजेस पेड और मैंने लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। वेजेस पेड 4,80,000 और यहां लिखा है वेजेस पेड एट द एंड ऑफ ईयर 4,80,000 और ब्रैकेट में लिख दिया है दोनों में मंथली इन एरियर और यहां पर भी ब्रैकेट में लिख दिया है मंथली इन एरियर। दोनों में लिखा हुआ है मंथली इन एरियर, लेकिन मैंने हल्का सा चेंज कर दिया है। एक जो आइटम है, एक जो स्टेटमेंट है वो 12 महीने की है एक्चुअली में, और एक वेजेस जो है महीने की है। अब आपको पता लगाना है कि कौन सी वेजेस 12 महीने की है और कौन सी वेजेस एक महीने की है। कि ये कैसे पता चला एक महीने की है, क्योंकि यहां लिखा हुआ मंथली एरियर एक महीने के बाद देते हैं। मेरी बात आप समझ रहे। अब आपने बताना है कि वेजेस पेड और नीचे लिखा हुआ वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसमें से 12 महीने की कौन सी है और एक महीने की कौन सी, सोच के बताएंगे। आंसर आज आना चाहिए था, आप तो ऐसे कर रहे। 11वीं का बच्चे से पूछो तो वो बता देगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, वेजेस पेड वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। जान के मैंने अमाउंट भी 4,80,000 रुपए रखा हुआ है, ठीक है जी। फिर नीचे लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मंथली इन एरियर, और यहां भी लिखा हुआ है मंथली इन एरियर। चलिए अब मुझे बता दीजिए कि इसमें कौन सी वेजेस 12 महीने की है और कौन सी वेजेस एक महीने की है, या दोनों 12 की है दोनों एक महीने की, इतना तो बता दो।
हाँ दोनों 12 ही है। सोचिए सोचिए, कि यहां लिखा है वेज इज पेड, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं भी जानते और हिंदी इंग्लिश भी कर लें इसकी छोटी सी, तो भी पता चल जाएगा वेज इज पेड लिखा, और यहां लिखा है वेज इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये बात तो समझ आ रही है कि ये जो वेजेस हैं ये आउटस्टैंडिंग दी हुई है, ये बात तो हमें समझ आ रही है अंग्रेजी से। और ये बात समझ आ रही है कि ये वेजेस पेड दी हुई हैं, तो वेजेस पेड जो हैं ये आउटस्टैंडिंग तो नहीं लिखा हुआ, ये पेड लिखा हुआ है। तो बताइए ये 12 महीने की है, ये एक महीने की, ऐसा दिख नहीं रहा क्या आपको? इतना टाइम लगा दिया आपने ऐसे करते हुए, कुछ है भी नहीं उसके अंदर। वेजेस पेड लिखा हो, ऊपर लिखा था मटेरियल कंज्यूम्ड पेड, कुछ भी नहीं लिखा, तो 12 महीने का तो होता है। बट मैं अगर कह दूं कि ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो इसका मतलब है कि वो एक महीने की है। अच्छा, अब जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो बताइए मेरे को सारी चीजें 12 महीने की लिखनी है, तो अब बताइए मैं क्या करूंगा? ये तो 12 महीने की है और ये लिखनी होगी, तो मैं इनटू क्या करूंगा? तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज 12 महीने की और कौन सी चीज 12 एक महीने की है। नीचे पढ़ना दोबारा से, सेल्स कितनी लिखी हुई है, मटेरियल कंज्यूम कितना लिखा हुआ है। मुंह से बोल के भी राजी हो, मैं पूछ रहा हूं मटेरियल कंज्यूम कितना लिखा हुआ है। अच्छा, एक महीने का है या 12 महीने का है? सेल्स 24 लाख रुपए महीने की है या 12 महीने की है? ठीक है, अब लिखा है वेजेस पेड 480, ब्रैकेट बाद में पढ़ना, मंथली नेरियर। अब बताइए ये वेजेस पेड 12 महीने की है या मंथली है? ठीक है, अब लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 45,000, फिर ब्रैकेट भी लिखा हुआ है कैश एक्सपेंसेस आर पेड वन मंथ इन एरियर। बताओ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस महीने के हैं या 12 महीने के हैं? महीने के हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग है। ये समझ आई? तो जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी 12 महीने के लिखने हैं। हमें तो हर चीज ही 12 महीने की लिखनी है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 12 से। एक बच्चा कहता है जी अमाउंट छोटा था इसलिए मैंने मान लिया महीने का, थप्पड़ मारो उसके मुंह पे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप आराम से पढ़िए, फिफ्थ और सिक्स का डिफरेंस तो देखिए। आप फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट को ईमानदारी से पढ़िए और आपको खुद डिफरेंस दिखेगा। एक चीज पेड है और एक चीज आउटस्टैंडिंग है, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो उतने महीने की तो होगी जितने महीने लेट देते हैं। वो तो चांस की बात है, उसने लगा एक महीना लेट देते हैं तो मैं कह रहा हूं भाई एक महीने की होगी। अगर वो कहता दो महीने लेट देते हैं तो ये दो महीने की आउटस्टैंडिंग होती, तो दो महीने लेट होती। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, बताइए जी एज अबोव को आप क्या करें, ब्रैकेट में डाल लें, गलती से ब्रैकेट नहीं लगाओ, एज अबोव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एज अबोव को ब्रैकेट में लिख लें 1,60,000। बताइए जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड साल के हैं या महीने के हैं? बहुत बढ़िया। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड, फिर ब्रैकेट बाद में पढ़ना होता, 80,000 क्वार्टरली इन एडवांस। बताइए सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टर के हैं या ईयरली हैं? ध्यान से पढ़ लीजिए, एक सेकंड में देखो आप अपना चेंज कर देते हिसाब किताब। यहां लिखा हो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड, एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस प्री पेड एट द एंड ऑफ ईयर, ऐसे लिखाओ, ठीक है जी। 80,000 यहां पे भी, 80,000 यहां पे भी। आप बताइए दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है या नहीं? यहां पे भी मैं लिख दूं, अगर लिख दूं यहां पे भी लिख दूं क्वार्टरली इन एडवांस, और यहां भी लिख दूं क्वार्टरली इन एडवांस, यहां भी लिख दिया वहां भी लिख दिया, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बताइए ये चीज तो 12 महीने की है और ये क्वार्टर की है, ये तो आंखों से दिख रहा है, इतनी मोटी मोटी दी है भगवान ने। नेक्स्ट पेज में आइए, द कंपनी कीप्स, अंडरलाइन करिए, वन मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वन मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अंडरलाइन करिए, वन मंथ एंड फिनिश गुड्स, इट कीप्स कैश ₹1,50,000, डेटर्स एंड सप्लायर्स, अंडरलाइन कर दीजिए, डेटर्स एंड सप्लायर्स आर अलाउड 2 मंथ एंड
एंड कंपनी अज्यूम्स 18% सेफ्टी मार्जिन, वो बता रहा है मैंने पॉइंट, ठीक है। डेटर्स भी और क्रेडिटर्स के अभी पीरियड 2 महीने है, ठीक है जी। कंपनी की यूज 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। एक बच्चा खुश हो रहा है, वो कह रहा है WIB आई नहीं, अच्छा हुआ देखो, क्योंकि WIB में फिर डिग्री का चक्कर पड़ता, कहता अच्छा हुआ नहीं है, एग्जामिनर को धन्यवाद कर रहा, अच्छा किया तूने दिया ही नहीं WIB, ठीक है इसमें है ही नहीं, ठीक है। एक बच्चा सोच रहा है नहीं है तो मैं अपने आप अज्यूम कर लूंगा, कुछ अज्यूम नहीं करना है आप, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, फिर नंबर तभी नहीं आते आपके, ठीक है। आप अब एक बात सुन लीजिएगा सभी बच्चे, नोट नंबर 1 पढ़िएगा इस क्वेश्चन का जो मैंने प्रिंट कराया हुआ है, नोट नंबर 1 पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। पहली बात मैंने लिखी है कि इस क्वेश्चन में कैश कॉस्ट बेसिस की एस्टिमेशन लिखी हुई है, इसलिए मैं कैश कॉस्ट बेसिस पे करूंगा। नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, हम जब भी कैश कॉस्ट करें या टोटल करें, कॉस्ट शीट हमेशा टोटल ही बनती है, उसमें डेप्रिसिएशन हर बार आती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नोट नंबर 2 समझ आ गया, टिक लगाओ, नोट 1 में टिक लगाओ, नोट 2 में टिक लगाओ, भैया ये कर लिए, ठीक है। अब नोट 3 जिसने नहीं पढ़ा वो गलत बात होगी, ध्यान से पढ़ना नोट 3, बड़ी प्यारी चीज लिखी है नोट 3 में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है नोट 3 में। PPTs बनाई है, क्वेश्चंस दिए हैं, उनके एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखे हैं, नोट 3। नोट 3 पढ़ लिया क्या सभी ने? मैंने एक बात बताने की कोशिश की है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में ही बनाते हैं, कॉस्टिंग में नहीं करते, इसलिए आपने वो पूरा क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच से करना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनता है, ये बताना जा रहा हूं। नोट नंबर 5 पढ़ लो, 4 पहले 4 पढ़ लो, अब आप पढ़ गए ना रुक जाते हो, नोट नंबर 4 तक पढ़ लिया, कुछ हाईलाइट करा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कुछ किया, बस खाली पढ़ते जा रहे हो, कुछ ना कुछ अंडरलाइन करो, और नोट नंबर 4 के बाद 5 और 6 भी पढ़ना है, मेरे को मत देखना, नोट 5 और 6 चुपचाप पढ़ लेना, कुछ तो ऐसे गुस्से में देख रहे हो जैसे भी खा जाएंगे मेरे को, नोट नंबर 5 और 6 भी करना। मैंने कहा जी पूरी किताब पूरी लाइफ तक आपकी साथी बनी रहेगी अगर आपने इसको संभाल के रखा तो। नोट नंबर 5 और 6 क्या आप सबने पढ़ लिया? तो एक लास्ट नोट, 8वां नहीं पढ़ना, 7वां पढ़ लिए, चलिए आप भी क्या याद करेंगे कि 7 तक पढ़ाया मैंने, 8वां नहीं पढ़वाया, लो आप भी क्या याद करोगे। पहले बताइए इस क्वेश्चन की बात आपको सबको समझ आ गई है? चलिए मैं शुरू करता हूँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 9, एक पेज छोड़ दीजिए कॉस्ट शीट का, या हेडिंग लिख दीजिए स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेशन ऑफ कैश कॉस्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेशन ऑफ कैश कॉस्ट
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैश कॉस्ट, करंट एसेट्स यहां लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज यहां लिखेंगे, यहां पर टोटल ऑफ करंट एसेट्स आएगा, यहां पर टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज आएगा। ठीक है जी, ये तो मेन आंसर है। अभी हम चलेंगे पहले वर्किंग नोट नंबर वन। कॉस्ट शीट ऑफ जूही, जूही चावला, जूही चावला, ये कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट शीट हमेशा एनुअल बनती है और एक साल के लिए बनती है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक हल्का सा मेथड ये बताऊंगा आपको, चलिए कोई बात नहीं, आप ये बता दीजिए। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मैं एक वर्किंग नोट के थ्रू ये बात समझाना चाह रहा हूं, आपको सेल्स पता है 24 लाख रुपए की है, ठीक है जी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी पता है कितनी है, जरा बताइएगा कितनी है, ठीक है, तो जरा निकाल के बताइएगा 30% कितना आता है। सात लाख बीस हजार माइनस करके बताइएगा कितना आता है, वो कितने महीने लगा रहे हो, 16,80,000। ये चीज क्या आ रही है, ये आ रहा है जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर ट्रेडिंग अकाउंट। पहले बताओ मैं ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकता हूं या नहीं, देखिए हाँ या ना तो पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे साइलेंट बैठेंगे तो मैं सच में आपको बता रहा हूं, मैं सीधा आगे चलता जाऊंगा। आप ना हाँ बोलते हैं, ना ना बोलते हैं, आप यहां कॉपी पेस्ट करने आएंगे मेरे सामने। तो फिर आप बताइए सेल्स कितनी लिखी हुई है, बोलो फिर से बोलो, मैं डंडा यहीं से ऐसे मारूंगा जिसको जो बीच में जरूरत भी नहीं। हाँ, सेल्स कितनी लिखी है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, इसमें से ये लेस कर दिया तो बैलेंस क्या बच गया। अच्छा, मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच गई, ये क्या लिख सकता हूं एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, या आप लिख दीजिए एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ भी लिख दीजिए मर्जी आपकी है। ट्रेडिंग अकाउंट लिखना ट्रेडिंग अकाउंट लिखिए, और फाइनेंशियल अकाउंट लिखना फाइनेंशियल अकाउंट लिखिए, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी लिखिए। पहले बताइए क्या 1680 तक समझ आ रहा है। अच्छा, आपको समझ कम आया है, मैं कहता हूं कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता है ये जो 16,80,000 है इसमें कौन कौन सी चीजें जमा की गई होंगी। मैं आप कहते हैं यहां ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या क्या जमा किया होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जमा किया गया होगा, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर जमा की गई होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जमा किए होंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड तक जमा किया होगा, है ना, ऑफिस तो नहीं होगा, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। जरा देखना नीचे क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी है, 6,00,000 है, ठीक है, वेजेस पेड कितनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, बोलो कितने हैं, 5,40,000। 45,000 को मैंने 12 से गुणा कर दिया, 45 को 12 से गुणा कर दिया, तो बताइए 5,40,000 है, समझ आ गया गुणा क्यों किया है। अच्छा, अब मुझे पता है ये टोटल इसका 16,80,000 होना चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड तक ही आता है, तो जरा बताइए डिफरेंस कितना है फैक्ट्री ओवरहेड का, बैलेंसिंग फिगर है, चेक कर लीजिए 60,000 है, चेक करिए। आप कैलकुलेटर ज्यादा प्रयोग नहीं करते इसलिए कैलकुलेटर आपका साथ नहीं दे रहा। हाँ, ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, 60,000 रुपए आ रहा है क्या कैलकुलेटर। अच्छा, मैंने अब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बताना कैसे यूज करते हैं, साइंटिफिक अलाउड होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा उसमें एक सेकंड में चीजें कैसे टक 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 करके आएंगी। पहले बताओ 60,000 समझ आ गए। अच्छा, ये आइटम फैक्ट्री ओवरहेड है, ये समझ आ गए। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या होता होगा, फैक्ट्री रेंट होता होगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस होती होगी, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन भी तो हो सकती होगी। देखिए यहां पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो जरा पढ़ो, कुछ लिखा हुआ है,
सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में, क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये क्या है, डेप्रिसिएशन। सेकंड पॉइंट में वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन। देखो लिखा हुआ क्या, वर्किंग नोट टू समझ आ गया है? हाँ जी, क्या वर्किंग नोट टू समझ आ गया है? बोलो जल्दी बोलो, मैं तालियां बजाता रहूं, टू समझ आ गए? इसमें फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 समझ आ गए? अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन समझ आ गए? चलिए आइए आइए मेहरबान कदरदान, आइए रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दीजिए, हिम्मत कीजिए। क्यों ढीले ढीले बैठे हैं, जैसे दुनिया लुट गई हो आपकी, ऐसे बैठे हो जैसे दुनिया लुटा के आ गए। अरे अभी तो दुनिया आने वाली है आपके हाथ में, आप दुनिया को मुट्ठी में करने वाले हैं, अभी कैसे ढीली ढीली बातें करते हैं। वेजेस 480 दुनिया है अभी आपके हाथ, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 480 अब मैं लिख रहा हूं 480 तक रुका हूं, 480 तक कुछ बच्चे रुके हुए, 480 क्योंकि जब मैं लिखूंगा वो उसके आगे लिखेंगे, मैं जान कर रुका हूं 480 वो मेरे को देख रहे हैं 480 भैया आगे तो लिख लो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलो कितने लिखूं, बोलो जल्दी बोलो। हाँ 45,000 × 12 540 बोली लग रही है, पौने तीन प्राइम कॉस्ट निकाल लो, प्राइम कॉस्ट निकाल लो, बोलो कितनी, 16,20,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या मैं यहां पर डेप्रिसिएशन लिख सकता हूं साथ में? ठीक है तो लिखिए 60,000 रुपए और यहां लिखिए 16,80,000, यहां लिखिए 16,80,000, 16,80,000 यहां लिखेंगे इसको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर ट्रेडिंग अकाउंट। और कॉस्ट शीट होती तो हम, चलिए पहले बताइए 16,80 तक समझ आ गए? क्या कुछ ने अभी भी नहीं बोला, समझ आ गए? कोई नहीं, अभी भी कुछ नहीं, अभी देख रहा हूं मैं। प्लस ऑफिस ओवरहेड्स, बोलो जी ऑफिस ओवरहेड्स 1,60,000 लिख दूं, प्लस सेलिंग ओवरहेड्स कितने लिखूं, 80,000 लिख दूं, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 19,20,000, सेल्स 24,00,000, नेट प्रॉफिट 4,80,000, ₹4,80,000 का नेट प्रॉफिट है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है यहां तक? क्या सभी ने कॉस्टशीट बना ली? चलिए आइए मैं एक बार दोबारा से मेन आंसर की तरफ बढ़ जाऊं, और मैंने मेन आंसर में हेडिंग लिखी हुई है, मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहा हूं। पहली बात लिखी है जूही चावला सेल्स गुड्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30%, फिर लिखा हुआ है सेल्स 24,00,000, फिर लिखा हुआ है मटेरियल कंज्यूम 6,00,000, फिर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, मुझे तो दिख रहा है, आप देख लीजिए आपको दिख रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस 40,000 रुपए, देखना कहां से आ गया ये, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी है। अच्छा मुझे तो एक चीज और दिख गई, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 45,000, देखो मुझे तो दिख रही है आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 45,000, मुझे तो दिख रही है, आपको दिख रही है? अच्छा मुझे एक चीज और दिख रही है, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मुझे तो एक चीज और दिख गई, पता नहीं क्या हो गया मुझको, मुझे तो दिखता ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो दिख रहा है
13,334 चेक कर लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में मैंने लिखा है 13,334। मुझे ना एक चीज और दिख गई, हाय राम क्या हो गया, मुझे तो दिखता जा रहा है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस प्रीपेड, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, मुझे तो 20,000 रुपए ये भी दिख गया। लो जी लो जी लो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस प्रीपेड है, तो प्रीपेड तो करंट एसेट्स में आते हैं, तो 20,000 रुपए वो लिख दिया मैंने। और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वो कहता क्वार्टरली इन एडवांस है। क्या यहां तक समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट पेज में पलट लिए। 1 month रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताइए जी, 1/12 इंटू 6 लाख कितना आ गया जी? 50,000। 1/12 ऑफ 6 लाख्स 50,000 आ गया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बताइए कितना जी? 1/12 इंटू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बता सकता कोई बच्चा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? कितनी? 1680। हमें यहां पर कैश कॉस्ट बनाना है, 1680 बिल्कुल ठीक है वैसे आपकी बात, लेकिन कैश कॉस्ट में करना है तो हम इसमें डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, आपने ये एकदम बोल दिया, चांस की बात है ठीक बोल दिया। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी उसमें ऑफिस ओवरहेड्स भी तो ऐड करते थे आप, ऑफिस ओवरहेड्स भी ऐड होते थे, उसके बाद आती थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन यहां पर आपने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड नहीं किए, आपने 1680,000 खाली फैक्ट्री ओवरहेड तक ऐड करने के बाद बता दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एस्टिमेशन कर रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। मेरी बात आप समझ गए? चलिए दूसरी बात, 1620,000 क्यों कर रहे हैं, 1680,000 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैश कॉस्ट पे एस्टिमेट करना है, देख लीजिए। तो मैं यहां पर 1620,000 से गुणा कर रहा हूं, क्या सभी को यह बात समझ आ गई? गुणा करिए, 1,00,000 1,35,000 1,35,000 लास्ट पॉइंट रह गया जी। हाँ वही कह रहा हूं, लास्ट में पॉइंट रह गया, कैश यहां लिख देता हूं जी 1,50,000 रुपए। और एक बात और रह गई है बस, हाँ कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं, कैश पहले लिख दीजिए 1,50,000 है क्या? ठीक है सभी को दिख रहा है? अच्छा इसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर 2 months, तो यहां लिखूंगा डेटर्स, डेटर्स लिखूंगा, जगह नहीं है मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर भी अंदर आराम से लिख देता हूं, डेटर्स लिख रहा हूं, और नीचे भी जगह तो है नहीं तो कोई बात नहीं, क्रेडिटर्स, जैसे मेट्रो में किसी को सीट थोड़ी सी तो जगह नहीं भी होती, वो अपना आगे पीछे कर कराकर सीट ले लेता है, तो मैंने डेटर्स से भी और क्रेडिटर्स से भी जगह ले ली, हद कर दी। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आपके सामने लिखना है मैंने, तो जरा बताइए जी डेटर्स कितने महीने हैं? 2/12 इंटू, वैसे जो डेटर्स होते हैं वो टोटल सेल्स पे होते हैं, अच्छा क्रेडिट सेल्स पे होने चाहिए वैसे। अच्छा यहां पर आप बताइए जी सेल्स कितनी है, मुझे तो दिख भी नहीं रही सेल्स कितनी है। 24,00,000 रुपए की सेल्स है जी, ये सब बच्चे कह रहे हैं 24,00,000 रुपए की सेल्स है। अच्छा
लेकिन आप बताइए यहां पर आप कौन सी एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो बताइए जरा मेरे को। 24 लाख में से दो चीजें कम करनी है, हाँ जी, पहला तो आप ये नेट प्रॉफिट कम कर देंगे 4,80,000 का, और दूसरा आप यहां से क्या करेंगे 60,000 रुपए की डेप्रिसिएशन कम कर देंगे, तो कितना आ गया 18,60,000 से गुणा कर देंगे तो 2/12 इंटू 18,60,000। मैं यहां लिख रहा हूं भाई और बहनों, मुझे पता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन कोई बात ही नहीं, 3,10,000 ऊपर लिख दिया है जबकि नीचे लिखना था, मैंने ऊपर लिख दिया। एक बच्चा सोच रहा है शायद मेन आंसर में भी ऐसे ही लिखना है, नहीं नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी तो ऊपर लिखा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने पीरियड का है जी, क्रेडिटर्स 2 मंथ, तो 2/12 इंटू क्रेडिटर्स, कंज्यूम से रिलेट करता है जी, तो आ गया जी 50,000। या 1,00,000, अच्छा मेरी गलती, 1,00,000 है जी, 1,00,000 रुपए। चलो जी 2/12 × 6,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000, सबको ठीक है, ठीक लग रहा है। अच्छा अभी आंसर अभी भी नहीं आएगा, पहले टोटल कर दो करंट एसेट्स का और करंट लाइबिलिटीज का, मैं एक साफ सुथरे पेज में लिख दूंगा। सिक्स लैक्स, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है जी, नेट वर्किंग कैपिटल आराम से निकालिए और बताइए। आंसर जबकि कुछ और है, देख लो इसमें अभी हमने सेफ्टी मार्जिन और ऐड करना है, वो मैं बताऊंगा क्या, पहले आप यहां तक पहुंच जाइए। 4,66,666 तक पहुंच जाइए, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या है वो 4,66,666 तक पहुंच जाइए। आप मुझे बताइए कि अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो और ट्रेन 4 बजे चलती हो और आपका घर, आपके घर से इसका डिस्टेंस 30 मिनट का है और आप 30:30 पे चले 3:30 पे, तो आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मान के चले कि अगर आप 3:30 पे ही चले, है ना, तो रास्ते में ट्रैफिक हो तो फिर क्या होगा, ये ट्रेन आपकी छूट भी सकती है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी, चेन्नई एक्सप्रेस उसका पहला सीन क्या था, पहला सीन ये पहला या बीच में कुछ सीन होगा, दीपिका साड़ी पहनकर बाल खुले हुए हैं, उसमें वो उसने वो फूलों की माला, मोतियों के फूलों की माला लगाई हुई है और नीचे बड़ी बड़ी हील वाली सैंडल्स पहनी हुई है ना, और भागती जा रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, प्लेटफॉर्म से भाग रही है, और क्योंकि ट्रेन चल पड़ी है और वो भी भाग रही है। वैसे साड़ी पहनकर हील पहनकर तो भागा जा ही नहीं सकता, लेकिन शाहरुख खान खड़ा था वहां ट्रेन में अंदर, उसने हाथ निकाला आया दीपिका अंदर आ गई। अच्छा एक मूवी और आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें काजोल भाग रही होती है लंदन में, वहां भी शाहरुख खान अंदर होता है, चांस की बात है दोनों बार शाहरुख खान ही था। अच्छा आप जब प्लेटफॉर्म में 3:30 पे घर से चलोगे और लेट हो जाओगे तो क्या आपके लिए शाहरुख खान वहां पर खड़ा होगा ट्रेन के अंदर, कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब घर से आपको कितनी देर पहले चलना चाहिए था, थोड़ा मार्जिन लेके चलते 3:10 पे चलते 3 बजे चलते, वो जो जल्दी चल रहे हैं उसको सेफ्टी मार्जिन बोलते, क्या बोलते, तो सेफ्टी मार्जिन हमेशा नेटवर्किंग कैपिटल के ऊपर निकाला जाता है। ये मैंने नोट नंबर 8 में लिख दिया, पढ़ लो नेक्स्ट पेज में, नोट नंबर 8 में लिख दिया है, अगर सेफ्टी मार्जिन दिया जाए तो इसको हम नेटवर्किंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा दिया होगा तभी करेंगे,
मैंने आज तक 8 क्वेश्चंस की उसमें तो नहीं किया, ठीक है। आप बताइए जी, 18% निकालना हो कितना आएगा, तो जो भी ऐड करके आएगा आप उसके बाद टोटल बताइए कितना आ गया जी, आंसर कितना आ गया, 5,50,670 रुपए आ रहा है कुछ लगभग, 666 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। लेकिन ना हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं हमेशा कि गाड़ी चलानी हो तो लेफ्ट साइड से चलाओ। आप एक्चुअली में चलाओ ना चलाओ, दिल्ली में तो कोई चलाता नहीं है, कन्वेंशन तो है ना कि लेफ्ट साइड से चलानी चाहिए। बोलो हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, इसी तरह से कन्वेंशन है कि हम ज्यादातर फिगर्स ना एक्यूरेट तो लिखते हैं लेकिन मोटा मोटी कहीं पर जुगाड़ आता है तो हम उसको टेंस तक ले जाते हैं। तो यहां पर मैंने उस फिगर को क्या किया, 5,50,670 तक ले गया, कन्वेंशन है, हम ऐसे ही करते हैं ज्यादातर। तो आप 5,50,670 लिख दो, मर्जी है तो ठीक, नहीं तो 6,666 भी ठीक ही है। मैं सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझ आ गई आपको। अच्छा, सवाल है कि वो एक्सपेंसेस वाला कंसेप्ट समझ आ गया आपको। बस मेन चीज वो है, आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, कंसेप्ट नंबर पहले पढ़ लीजिए, बताइए कौन सा कंसेप्ट लिखने वाले आप। हैं जी, 19, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है, आपको नंबर भी याद है कि कौन सा नंबर लिखना है। हाय राम, आपको तो नंबर याद है, आइए अब हम आगे चलेंगे। 19, मैं अगर पेपर बनाऊं तो या तो 18 नंबर कंसेप्ट से या 19 नंबर से एक क्वेश्चन जरूर दूंगा, आगे आपकी मर्जी, आप समझ लें क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अगर पेपर बनाऊं तो कंसेप्ट 18 का क्वेश्चन दूं या कंसेप्ट 19 का क्वेश्चन दूं। इस समय कंसेप्ट 19 आप कर रहे हैं और आप चेक कर लें कि बाकी सब कंसेप्ट वाइज नहीं कर रहे और आप कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं। कंसेप्ट 19, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस और ईयर 1, ये इसका नाम है। आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, और मंडे को आप कृपया करके जरूर, अगर आपको लगता है तो आप दान देने आए। कर्ण जो था महादानी था, कर्ण मरने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन ये महादानी है कर्ण, एक मरने वाला है, मैं इसके पास अब दान लेने जा रहा हूं, फिर भी दे देगा ये। और कर्ण के मुंह में ना एक सोने का दांत लगा हुआ था, उसका दांत टूट जाता, पहले जमाने में जिनके दांत टूटते थे ना सोने के दांत लगवा लेते थे। अब वो मर रहा है और भगवान कृष्ण साधु बन के पूछ रहे हैं उससे, कह रहे हैं कि मुझे कुछ दान में दे। वो कहता मैं तो मर ही रहा हूं। वो कहता नहीं, तेरे मुंह में ना सोने का दांत है, वो तोड़ के दे मेरे को। अब बताइए, एक व्यक्ति मर रहा है फिर भी उसको था कि मैं दान दूं, उसने अपने मुंह से दांत तोड़ दिया, और वो दांत क्योंकि उसने मुंह से दिया था तो झूठा था, तो उसने कहा धोखे दे, फिर उसने बाण डाला और धरती से पानी आया बाहर, उसने धोया और वो दिया दान में, और आप तो खून दान में दे रहे हैं जो वापस भी आ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसको बहुत जरूरत है। आप देख रहे हैं माता पिता कहीं ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनके बच्चों की डेथ हो गई, ये बात है ना, तो बताइए इस आपातकाल में अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे, मुझे इतना बता दीजिए। आप अपने लिए जीने आए हैं, दुनिया को संवारने के लिए जीने आए हैं, तो आपको दुनिया को संवारना है साथ साथ, तो दान दें, रक्तदान महादान। और आपको तो यंग है, ब्लड है आपके अंदर, और आ जाएगा नया ब्लड, आएगा नई उमंग लेके आएगा, इसलिए दूध जरूर आप उस दिन खून दान में दें। ब्रेकफास्ट के लिए वो तो मिलेगा ही, ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी आना है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मिलेंगी, उसको छोड़ दीजिए, वो फिर आपने दान भी दिया ना तो उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। भगवान ये देखता है कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी, जब इंटेंशन अच्छी होती है ना पाक, तो भगवान भी क्रेडिट ज्यादा देता है। इसलिए आप आइए मंडे को, आइए और दान दीजिए, मैं भी दान दूंगा, आप भी दीजिए, शायद कुछ फैमिलीज को हम बचा पाए। चलिए, क्या सबने कंसेप्ट 19 लिख लिया,
तो इसमें न्यूली कमेंसिंग बिजनेस की बात हो रही है। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 10th कराने जा रहा हूं, इसके बाद 10th, उसमें 19 लिखा हुआ मैंने, देखो कितनी मेहनत की हो, उसमें भी कंसेप्ट 19 है, यहां भी 19 है और बाहर भी 19 है, तो आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने कहा 18 और 19 आएगा, मेरे से एक क्वेश्चन आएगा। चलो कोई नहीं, डी पॉइंट लिख लो इसका पहले, खत्म है, ज्यादा बड़ा था ही नहीं है, डी पॉइंट लिख लो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीरांगना तुम भी बड़ी चलो, एक्शन करो। सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन करने से होता है। हम सोचते बहुत कुछ है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए, कुछ नहीं होता, एक्शन करना है तब मिलेगा। डू एक्शंस। वो जीरो लिखा है, वो ओपनिंग नहीं है, वो जीरो है, वो पहले बता रहा हूं, ये जीरो है। नहीं भाई, नींद भी तो आ सकती है, समय नींद का है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं ओपनिंग, उन्होंने ओपनिंग लिख दिया उसको, ना भैया जीरो है ये, जीरो एक्चुअली में जीरो लिखना चाहिए यहां पर मेरे को। ये लो, अब नींद भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो प्लस रॉ मेटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल इज इक्वल टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, और परचेजेस इज इक्वल टू कंज्यूम्ड बाय क्लोजिंग। अभी देख लेते क्या बोल रहा हूं, अभी देखते हैं। ई पॉइंट लिखिए, ठीक है, बस दो बातें हैं, छोटी छोटी हैं। ई पॉइंट करिए, इसका नंबरिंग गलत हो गई है, ये ई चलिए, बहुत बढ़िया, आप इस समय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लिखते जा रहे हैं और आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा है लिखते लिखते, बस यही दो एक दो बातें लिखनी है, इसके बाद आज लिखने का काम कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा है कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, मैंने एक बीच में एक कॉलम खाली छोड़ा हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। एक यूनिट को बनाने में अगर 10 रुपए लगते हो तो बताइए यहां पे कितना आएगा, 10 रुपए, और उसके नीचे, और उसके नीचे मतलब यहां पर 10 रुपए आएगा, यहां 100 रुपए, यहां 1000 और यहां 10,000। चलिए लिखते चल, लिखो अपने हाथ से लिखो, इधर 10, इधर 100, इधर 1000, इधर 10,000, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाइए इसका, वेरिएबल कॉस्ट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली में फाइनेंशियल अकाउंट्स का, कॉस्ट अकाउंट्स का, टैक्स का, सबका मिक्सचर है, इसलिए हर चीज पता होनी चाहिए एफएम करने के लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट का एक चित्र बना दीजिए, ये पर यूनिट है, पीवी नहीं है, पर यूनिट है।
कर लिया जी एच, दो पॉइंट रह गए, पहले बताओ यहां तक कर लिया, एफ तक, एफ तक कर लिया, चलिए जी और एच लिख लीजिए, खत्म आज का काम तो खत्म है, आज का कोटा पूरा है जी। अच्छा कोई नहीं, यहां तक लिख लिए, कोई नहीं, ये लिखिए ई और एफ लिखिए, ई एफ पहले आएगा, नहीं नहीं एक सेकेंड, ये जी एच आपने अभी तक कहां तक लिखे हैं, एच लिखा ना, अच्छा ठीक है ठीक है, आई कर लीजिए इसको, बहुत बढ़िया, अब लग रहा है कि आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, आई हो जाएगा। आई के बाद क्या आता है, चलिए जे लिखिए, जे हो जाएगा, इसका फिक्स कर पर यूनिट खाली छोड़ दीजिए, अभी बताएंगे, जे तक लिख लिया जी, चलिए वो खेल करो, खत्म, एल था जी, एल तक लिखना है, खत्म, मैंने जान के अभी आज डाउट्स नहीं लिए कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ बच्चों ने अगर नहीं भी ट्राई किया तो उनको एक चांस और मिलना चाहिए, और अगर उन्होंने पूरे क्वेश्चंस नहीं किए तो आज जाकर जरूर कर लेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास मतलब लेक्चर नंबर 4 में हम डाउट्स ही पहले शुरू करेंगे, तो कृपया करके आपने नहीं किया तो अपना भला कर लें, और आज जाने के बाद जो भी क्वेश्चंस मैंने दूंगा आज तक के सारे ट्राई कर लेंगे। कितने बच्चे आप में से मुझे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ आज जो भी कारण रहेगा, कोई भी रीजंस रहेंगी, हम फिर भी ट्राई तो जरूर ही कर लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे जो बच्चे मुझे प्रॉमिस करना चाहते हैं, झूठा प्रॉमिस नहीं करना है, नहीं एक साथ हाथ करना है अगर ऊपर तो सीधा होना चाहिए स्ट्रेट, ऐसे ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है, और जो बच्चे मेरे को इस समय मेरे सामने नहीं बैठे, दूर बैठे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप घर में अपने आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मैं उल्टा भी लटक जाऊं तब भी समझ नहीं आएगा आपको, आप अपने टीचर खुद हैं, खुद करेंगे, मैं तो गाइड कर सकता हूं कि ऐसे 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 काम आप ही को करना है, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप घर में खुद होमवर्क करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मैं सारी डाउट डिस्कस करने वाला हूं। ओके आगे लिखिए, लिखना ही नहीं है, बाय के एंड एल तक, बाय लिखना नहीं है, क्या एल तक लिख लिया सभी ने, ठीक है जी, आइए मैं आज आपको एक नई चीज और समझा दूं, और बस वो समझाते समझाते ही आज का दिन, आज के लम्हे हमारे से गुजरते जा रहे हैं, और बस हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मैं आपसे अलविदा ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नई चीज बताना चाह रहा हूं,
तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हम कर चुके हैं, देखिए जूही चावला का, अर्जुन पंडित, कुरकुरे वाली जूही चावला। आजकल आपको मालूम है कुरकुरे में एडवर्टाइजमेंट में नहीं आते जूही चावला, क्योंकि कुरकुरों में कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो हमारे लीवर को खराब कर देती है, तो सभी लोगों ने जूही चावला को बोला। तो आजकल आप देखिए कुरकुरे आप खाते हैं, आप ऐसे कौन खाता कुरकुरे? नहीं खाने चाहिए, कोई खा भी रहा तो मना करना चाहिए। नहीं अब ऐड नहीं आ रही, ऐड भी नहीं आ रही, जूही चावला नहीं आ रही एक्चुअली में, कुरकुरे में उरकुरे है जी। अच्छा ठीक है, उसकी वो जूही चावला तो नहीं आ रही ना, क्योंकि वो खुद मदर है, खुद समझती है कि बच्चों को नुकसान हो रहा है उसको खा के, नहीं आ रही। अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी कह रहे नहीं पीनी चाहिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीकर हमारे देश की फॉरेन एक्सचेंज बाहर लेके जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी, ठीक है कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ बढ़ेंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है जी टेंथ। हेडिंग देखिए क्या लिखी है, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस स्लैश इंक्रीज इन कैपेसिटी। शायद मैं ये पूरा ना भी कर पाऊं, इसके दो पार्ट्स हैं, शायद मैं एक ही पार्ट कर लूं, कोई बात ही नहीं, एक पार्ट भी ईमानदारी से समझेंगे, बस वो हो गया तो समझ लिया दूसरा हो जाएगा। नीचे देखना जरा कहां कहां पे आया हुआ है, सीए में आ चुका है, सीएस में, सीएमए में, जून में, जून में, दिसंबर में, सीए की स्टडी में, सीएमए की कंपेंडियम में, देखिए कहां कहां से मैंने ढूंढा कि ये क्वेश्चन कहां कहां दिया हुआ, इतनी रिसर्च की है जी इसके ऊपर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी मैंने एक से लेकर नौ तक क्वेश्चंस किए और अभी जो करने वाला हूं टेंथ से, उनमें और इनमें डिफरेंस है। अभी पढ़ा नहीं हमने क्वेश्चन, अभी देखना डिफरेंस क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हमने पहले किए हैं हमने कहीं ना कहीं ये माना है कि वो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग कंपनीज ने हमें बोला है क्या वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने के लिए। लेकिन टेंथ क्वेश्चन जो है इसमें हम ये मान नहीं रहे कि वो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि वो क्या है, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस है। या तो वो न्यूली कमेंसिंग बिजनेस हो और या वो ईयर वन का क्वेश्चन हो, मतलब पहला पहला साल। आप बहुत सारे काम पहली बार करेंगे, आपने सीएस की स्टडी पहली बार पढ़नी शुरू की, उससे पहले तो नहीं पढ़ते थे। अच्छा आप ये बताइए एग्जिस्टिंग में और न्यूली में एक डिफरेंस होता है, बड़ा एक बेसिक डिफरेंस होता है जी, वो डिफरेंस क्या है कि एग्जिस्टिंग में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ना दिए जाए तो आप इन दोनों को बराबर मान सकते हैं, लेकिन न्यूली कमेंसिंग में ओपनिंग तो होता ही नहीं है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग को बराबर मान ही नहीं सकते, क्योंकि अनइक्वल होते हैं, ये जीरो है और ये कुछ है, तो एक बेसिक डिफरेंस है। मैं कहता हूं मैंने आज ही छोले भटूरे की दुकान खोली है, तो बताइए पहली बार ही खोली है तो पिछले बार का मैदा तो होगा नहीं ना, आज नया भटूरे बनाने शुरू किए, आज नए छोले बनाने शुरू किए, आज नया अचार खरीदा है, आज प्याज खरीदा है, आज ही चटनी बनाऊंगा, कोई पिछले दिन की थोड़ी है। मैं कह रहा हूं मैं पिछले दो तीन महीनों से भटूरे बनाकर बेचता हूं, तो पिछली बार का भी तो मटेरियल होगा मेरे पास, अगर मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं हमेशा मानूंगा कि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है। बट क्वेश्चन है ना पहली लाइन में क्या लिखा है, मां लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट करिए, न्यू प्रोजेक्ट, एक कंपनी नया प्रोजेक्ट कमेंस कर रही है, पहली लाइन में छक्का मार दिया उसने, ओके नो प्रॉब्लम कैच करेंगे। लेकिन एक बात समझ आती है कि न्यूली कमेंसिंग बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी नहीं होगा, रॉ मटेरियल भी नहीं होगा और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग नहीं होगा, किसी का भी ओपनिंग नहीं होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग में अगर हमें ओपनिंग नहीं दिए गए तो हम मानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है, ये बात ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, फिर देखिएगा नीचे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन्ड फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स। अंडरलाइन कर दीजिए 12,000 यूनिट्स, विच इज फुल कैपेसिटी, मटेरियल
फुल कैपेसिटी को हाईलाइट कर दीजिए। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, कुछ खर्चे दिए हैं आपको, कुछ फिक्स दिए हैं, कुछ वेरिएबल दिए। सेलिंग प्राइस इज 96 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5 रुपीज पर यूनिट, 80% ऑफ विच इज वेरिएबल। इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। पहले साल में देखिए प्रोडक्शन कितनी है, 6000, और पहले साल में सेल्स कितनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया पहले साल में? नहीं, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको यहां पर फर्स्ट ये न्यूली कमेंसिंग बिजनेस दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा हुआ है, लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया प्रोडक्शन सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही है ना? अच्छा, फर्स्ट ईयर में ओपनिंग तो नीली होता है। अच्छा, प्रोड्यूस कितने की है? अच्छा, बेचे कितने हैं? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अच्छा, ये बताओ इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ईयर 2 का ओपनिंग बन जाएगा? नहीं। अच्छा, बनाए कितने हैं? अच्छा, बेचे कितने हैं? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने ये ब्योरा दिया हुआ है, ठीक है, आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अंडरलाइन कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को असेस करना है, स्टॉक ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, वो तो ठीक है, प्रिपेयर फॉर द 2 ईयर्स, अंडरलाइन कर दीजिए, 2 ईयर्स के लिए बनाना है आ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन कीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस, वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस, अभी बताऊंगा। फिर सेकेंड, अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि कितनी वर्किंग कैपिटल निकालनी है, बस ये पूछा है। मेरा मन है कि एक बार आप खुद पढ़ लो इसको दोबारा से, 1 मिनट लगाकर, फिर मैं शुरू करूंगा, मेरा ये मन है। इसमें जो पहला पार्ट है ना, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, वही मैं आज बना दूंगा, तो वो समझ आ गई तो घर में आप वर्किंग कैपिटल कर पाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ईमानदारी से आज हम क्वेश्चन नंबर 10th का पहला पार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। अच्छा, एक से ज्यादा ईयर्स दिए हो ना, तो आपने कॉलम वाइज प्रेजेंटेशन देनी है। नेक्स्ट पेज में आइए, जरा एक बार देखिए, या इसी में नीचे देखिए, नोट 1 लिखा हुआ है कुछ, नोट 1 देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन का नोट 1 पढ़िए। पढ़ लिया सभी ने? जो कितने भारी भारी मन से बोल रहे हो, कराऊं या नहीं कराऊं ये क्वेश्चन? आधा तो कह रहा हूं कराऊंगा, आधा आप घर में कर लेना, आधा तो कर लो, इतना क्या बाहर हो गया, आधा भी नहीं कर रहे आप, आधी कर दी, ये ऐसे कैसे नखरे हो, इतने नखरे कर रहे हो? पढ़ लिया क्या? करूं शुरू? अच्छा, मैं कह रहा हूं नोट 1 पढ़ लिया क्या? अच्छा, 1 सेकंड के लिए, मेरा मन है कि आप सभी नोट नंबर 2, 3, 4 तक
पढ़ लें, फाइव नहीं पढ़ना, खाली टू थ्री फोर तक पढ़ लें, फाइव नहीं पढ़ना। टू थ्री फोर, टू थ्री फोर के बाद नीचे देखना, मैंने कोटेशन लिखी, आपने देखा किताब में कई कई जगह कोटेशन बड़ी अच्छी अच्छी लिखी हुई है, पढ़ते हैं आप कभी कोटेशन को। देखिए कोटेशन क्या लिखी है, जीत और हार का मतलब लिखा मैंने यहां पर, आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो, और हम सब गिरते हैं, लेकिन हम में से कुछ मान लेते हैं कि हम गिरे ही रहेंगे, तो फिर तथास्तु, भगवान कहता तथास्तु, गिरे ही रहेगा तू। तो ये हमारी सोच में डिपेंड करता है कि हम जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। और आप इस नजरिए से देखिए कि एक बार हम गिरे हैं, दोबारा उठे हैं और दोबारा से हिम्मत करेंगे, पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, भगवान ने हमें दोबारा मौका दिया है। ये अब आपका पॉजिटिव थिंकिंग है इसका। एक नेगेटिव है, मेरे दोस्त पास हो गए, मैं फेल हो गया हूं, मैं फेल ही रहूंगा, मैं फेल ही हो रहा हूं, फिर से होगा ही नहीं, एफएम बड़ा मुश्किल लगता है मुझको, या हर बार एफएम में कम नंबर आते हैं, पता नहीं मेरे साथ मेरी किस्मत खराब है, कौसी है, ये सब कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपके विचार है। एक्चुअली में आप जो हैं वो आपके विचारों से ही हैं, तो आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए, तो फिर हर चीज की आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव निकलेंगी बॉडी से, आपकी बॉडी से ना मैग्नेटिज्म कुछ वाइब्रेशंस निकलती हैं, तो जैसा आप सोचते हैं वही वाइब्रेशंस आपकी बॉडी से निकल रही होती हैं। अच्छा, जैसी वाइब्रेशंस निकलती हैं ना इस यूनिवर्स में, वो बिल्कुल ना अपनी जैसी वाइब्रेशंस को कैच करती हैं जो यूनिवर्स में चीजें चल रही हैं। अब आपकी बॉडी से निकल ही नेगेटिव रहा है क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, और इस दुनिया में तो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज है, तो आप किसको कैच करोगे, नेगेटिव को कैच करोगे, नेगेटिव लेना शुरू कर दोगे संसार से। अच्छा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव होल स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर प्लस नेगेटिव स्क्वायर प्लस टू ए बी नेगेटिव नेगेटिव, फिर वही होगा। तो आपको खुद पहल लेनी है, पॉजिटिव सोच नहीं, तो बताइए ये कोटेशन अच्छी है या नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं, आइए, बस छोटी सी चीज है, ज्यादा बताना नहीं है, एक कॉस्ट शीट बनाने लिखिए, कॉस्ट शीट ऑफ माँ तुझे सलाम फॉर द ईयर एंडिंग। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ईयर वन ईयर टू, माँ तुझे तो है पता कि मैं अंधेरे से डरता हूं, गाना सुना होगा आपने, तो वही माँ कंपनी का आज मैं ईयर वन और ईयर टू बना रहा हूं, और मुझे बता दीजिए, मुझे आज बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मुझे मत रोकना यारो, आज मुझे बता देना, आज बता देना और मुझे बताने देना। ये मैं ऐसे इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, आप भी लिख लें, निल निल मुझे ना रोकना, आज हो जाने दो मुझको सेंटिमेंटल, आज न रोकना, आज न रोकना। यह मैंने आपके सामने एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वैसे नहीं भी लिखता तो ठीक था, बट वर्किंग नोट है ना, इसका कोई फॉर्मेट थोड़ी है, फिर भी हम लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले मैं ईयर वन को लेकर चलूंगा जी, भाई और बहनों, भाई और बहनों, जो जो मेरी आवाज सुन रहा हो, आप ईयर वन को लेकर चल रहा हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 6000 इंटू 40, 2,40,000 आ गया, आराम से देख लीजिए, दो चालीस, 6000 यूनिट बनाए, एक यूनिट को बनाने में 40 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है,
2:40, 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
ओके ओके नो प्रॉब्लम, हद कर दी आपने। मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट लेबर 6000 बनाए। भैया बनाए तो 6000 ना, बिके कितने भी, खर्चा तो मेरा 6000 पे हुआ ना, 1,20,000 फिक्स्ड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैं तो 72,000 लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता कहां से आ गए, मुझे नहीं पता कहां से आ गए, बहुत बार बता चुका हूं, आप देख लीजिए 72,000 कहां से आ गए। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अच्छा फिक्स तो फिक्स ही रहते हैं जी, फिक्स तो फिक्स ही रहते हैं। मैंने इसके ऊपर नोट लिखवा दिया था, नोट यहां भी लिखा, वो प्रभाव भी दिया। मैंने कहा कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट से होती है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या कि अगर बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट मान लेते हैं 1,00,000 रुपए की है, और बजटेड प्रोडक्शन मान लेते हैं 10,000 यूनिट्स की है, तो बताइए जी एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट 10 रुपए का आएगा या नहीं? कैसे आया? 1,00,000 भाग में 10,000 इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट, आया या नहीं? मुंह से तो बोलो। अच्छा अब आप ये बताओ कि मैंने यहां पर अगर मुझे 10 रुपए दिया और 10,000 दिया हो तो मैं 1,00,000 निकाल सकता हूं? तो यही किया मैंने, देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 रुपए दिए हुए। 6 रुपए कैसे आए होंगे? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन 12,000 करके आए होंगे। तो बताइए जी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने आ गए? 72,000 रुपए आ गए। 12,000 × 6 अभी तो आए होंगे फिक्स्ड, बोलो हाँ या ना, तो बोलो। ये बात समझ आई है या नहीं आई? नहीं नहीं आई तो मैं छोड़ देता हूं, बताओ आई है या नहीं आई है वाली बात। तो 72,000 लिखिए, ये लिख दिया। प्राइम कॉस्ट बताइए कितनी? 432 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड में यहां डेप्रिसिएशन दिया हुआ। अच्छा डेप्रिसिएशन कभी भी दिया हो तो आप मानेंगे कि वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। मैं फिर रिपीट करता हूं, डेप्रिसिएशन कभी भी दिया हो तो आप मानेंगे कि वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, बोलो हाँ या ना, तो बोल दो। अच्छा दूसरी बात, डेप्रिसिएशन आपको अगर पर यूनिट दियो, देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन दो तरह से दे सकता है, वो पर यूनिट बेसिस पे दे सकता है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दे सकता है। अच्छा अगर आपको पर यूनिट दिया है तो आप हमेशा मानेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या नेचर है, फिक्स्ड इन नेचर है। ये देखो लिखा आपने, ये पॉइंट लिखा था नहीं, ये अभी जो कंसेप्ट लिख रहे थे उसमें लिखा था ये पॉइंट, तो लिख लो आप एक पॉइंट लिख लो, लिखो नोट नंबर 1 या 2 जो भी है लिखिए, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये बात तो ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन कैन हैव टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, डेप्रिसिएशन के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला, कैन बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड इन नेचर, इसको हम फिक्स्ड इन नेचर मान सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर। दूसरा, कैन बी ट्रीटेड एज वेरिएबल इन नेचर, कैन बी ट्रीटेड एज वेरिएबल इन नेचर, इसको हम वेरिएबल भी मान सकते हैं।
बताइए जी कब फिक्स्ड मानना है और कब वेरिएबल मानना है, पता है किसी को? तो लिखे इन केस एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, इन केस एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन देन ऑलवेज ट्रीट डेप्रिसिएशन एज फिक्स्ड इन नेचर, देन ऑलवेज ट्रीट डेप्रिसिएशन एज फिक्स्ड इन नेचर, फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर। फिर लिखिए इन केस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन स्पेसिफाइड, इन केस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन ऑलवेज ट्रीट क्या डेप्रिसिएशन एज वेरिएबल कॉस्ट इन नेचर, बोलो बात समझ आ रही है थोड़ी सी या नहीं? यहां देखना कहां दी हुई है डेप्रिसिएशन, कैसे दी हुई है यहां पर डेप्रिसिएशन, हाँ जी यहां पर देखिए पर यूनिट दी हुई है या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बताइए प्लीज। तो क्या करूं, तो मैंने यहां फिक्स ले लिया है, तो यहां फिक्स में कैसे करूंगा, ये देखिए मैंने क्या लिखा है 1,06,000 तो यहां 72,000 लिख दू, 1,20,000 लिख दू, 1,20,000 1,20,000 चलिए जी फैक्ट्री कॉस्ट बता दीजिए, ₹5,52,000 प्लस ऑफिस ओवरहेड्स 48,000 कहां से आया मुझे नहीं पता, आपने देखना कि 48 कहां से निकाल दिया मैंने, 48 चेक करिए और मुझे बताइए कि 48,000 कहां से आ गया, सबको समझ आ गया? अच्छा 48 तो फिक्स्ड है, फिक्स तो यहां पे लिख भी सकते हैं अभी पहले ही, ईयर टू में भी सेम ही होगा, तो चलिए टोटल करिए और बताइए 8 और 2 10 हासिल 1, 5 और 1 6, 4 10 ₹6,00,000 आ गए क्या, ज्यादा थक गए हो तो छोड़ देता हूं, बोलो 6,00,000 तक आ गए, खाली ये स्टेटमेंट तो पूरी करना, तो ये भैया पहला ईयर तो पूरा कर लू, चलो ₹6,00,000 यहां तक लिख दिया मैंने, लिख दिया जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बताइए जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं पहले साल में तो होती नहीं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है या नहीं, अरे क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है या नहीं, हो सकता है, इसको लेस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसकी वैल्यूएशन करनी है, ये वैल्यू कहां से आई, बस ये मेरे को थोड़ी सी बात बतानी है, इसकी वैल्यूएशन करके हमें देखना है कि ये वैल्यू कहां से आई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो नीचे देखिए वैल्यूएशन का मेथड दिया हुआ है, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस, वैसे मैं आपको बताऊं क्लोजिंग स्टॉक 2-3 तरीकों से निकल सकता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नोट नंबर 7 देखिए मैंने लिखा हुआ है, वैसे नोट नंबर 7 में आइए,
नोट नंबर 7 मैंने कहा जी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दो मेथड से हो सकती है, बताओ कौन कौन सा मेथड लिखें। अच्छा इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करने की बात हो रही है? अच्छा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, बड़ा सिंपल सा है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये पता ही है आपको, ये तो मालूम है ना। अच्छा तो वेटेड कॉस्ट का फॉर्मूला भी मैंने नीचे लिखा, जरा देखो उसी नोट के नीचे लिखा हुआ है, फिफो में कैसे करते हैं लिखा है और वेटेड एवरेज में कैसे करते हैं देखिए, जरा नीचे देखिए लिखा हुआ है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि आपने, मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स इन ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट ईयर्स प्रोडक्शन यूनिट। और अगर फिफो हो तो खाली ये लगाएंगे और वेटेड एवरेज हो तो दोनों का एवरेज लेंगे। समझ आ रहा है या नहीं? अच्छा ऊपर से तो नहीं आ रहा, यहां तक ठीक है क्या भैया? साथ साथ बता दो, मुझे लग रहा ऊपर से आ रहा, यहां तक ठीक है। चलो अब आप मेरे को बता दो कि इस कॉस्ट शीट में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, खाली करंट ईयर की प्रोडक्शन ही है, तो एक यूनिट को बनाने में कितने पैसे लगे? तो यहां लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 5, जो भी लिखना लिख लीजिए, कॉस्ट पर यूनिट एज पर वेटेड एवरेज इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट एज पर वेटेड एवरेज इज इक्वल टू 0 + 6 lakhs अपॉन 0 + 6000 इज इक्वल टू ₹100। चेक करना ये जीरो कहां से आ गया, ये जीरो क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या है? ये भी यूनिट्स ऑफ यूनिट गुड, ये क्या है? करंट ईयर्स प्रोडक्शन, और ये क्या है? करंट ईयर प्रोडक्शन इन यूनिट्स। 100 रुपए आ गया या नहीं आया? अच्छा अब ये बताओ कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक में, ये निकाले थे आपने, ये रे ये 1000 है, तो बताइए अगर 1000 है तो कैसे निकालूंगा मैं कॉस्ट, ये बताइए, ये बताइए। तो मैं लिख रहा हूं यहां लिख रहा हूं 1000 × 100, 100000 आ गया, यहां पर आ गया जी 500000। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5 lakhs, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5 lakhs, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5 lakhs, प्लस देखो एज ए मूड आप खराब कर रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कर दीजिए, चलिए ईयर वन कंप्लीट करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मुझे पता है मैंने 5-10 मिनट ज्यादा ले लिए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप मेरे से नाराज हो जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चलिए बताइए, और छुट्टी है, वेरिएबल और फिक्स बता दीजिए, चलिए वेरिएबल कितने और फिक्स कितने हैं, बस इतना बता दीजिए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में वेरिएबल कितने और फिक्स कितने हैं। 5 रुपए टोटल दिया हुआ है, हाँ 80% इसमें क्या है? वेरिएबल है, और 20% क्या है? अच्छा फिक्स कैसे आया होगा, कैसे आया होगा? 1 rupee इज इक्वल टू x अपॉन 12,000, तो x की वैल्यू क्या होगी? 12,000। भाई 5 रुपए टोटल है ना, ये तो सबको दिख ही रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 5 रुपए दिख रहा है या नहीं? अच्छा 5 रुपए में इतना वेरिएबल है, इतना फिक्स्ड है, तो मैंने इसका निकाला तो 1 रुपए आ गया। अच्छा ये एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है, इसको कैसे निकाला होगा? x अपॉन 12,000, तो x की वैल्यू निकाली 12,000। चलिए अब बता दीजिए मेरे को कि यहां पे मैं कितना करूं, फिक्स तो 12,000 लिख दिया, वेरिएबल कितने, वेरिएबल कितने पर यूनिट? अच्छा सेलिंग ओवरहेड्स कब इनकर करते हैं,
जब यूनिट्स बेचते हैं या प्रोड्यूस पे रिलेट करता है सेलिंग ओवरहेड? हाँ जी, सेलिंग ओवरहेड हमेशा सेल से रिलेट करता है और प्रोडक्शन ओवरहेड हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से रिलेट करता है। तो चलिए 5,32,000 तक पहुंच गए, आंसर खत्म हो गया 5,32। ये कैसे आया 20? 5,000 यूनिट बेचे इंटू एक यूनिट 4 रुपए का है। भाई सेल्समैन को कमीशन कब देते हो, बनाने के ऊपर या बेचने के ऊपर? तो सेलिंग ओवरहेड्स मैंने वैसे पॉइंट टू कैप्टन माइंड में लिखवाया था आपको, कंसेप्ट नंबर 4 में या 5 में। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सेलिंग ओवरहेड्स आर रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। चलिए क्या सबको समझ आ गया 5,000 × 4 क्यों किया है? बनाए कितने हैं मैंने 6,000, बेचे कितने? चलिए सेल्स बता दीजिए, सेल्स 5,32 तक पहुंच गया मैं, और सेल्स कितनी है और यहां पे प्रॉफिट और लॉस कितना है? ईयर 1 कर लिया, अब ईयर 2 में 2 मिनट दे रहा हूं, अभी करके दिखाओ, अभी कर लो, बाकी बात हम घर में कर लेंगे, लेकिन ईयर 2 तो कर ही लो, कर लो प्लीज, कोई बात नहीं 5 मिनट लग जाएगा, कोई बात, आप जल्दी से ईयर 2 कंप्लीट करिए, बिल्कुल सामने सामने आपके है, आप कंप्लीट कीजिए इसको। किसने कंज्यूम लिखा हो तो बता सकते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, 9,000 × 40, 3,60,000। डायरेक्ट लेबर
प्राइम कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिखी हुई थी, फैक्ट्री कॉस्ट 7,30,000, ठीक है जी। ऑफिस ओवरहेड्स पहले लिखे हुए थे आपने 48, क्योंकि वो फिक्स थे, यहां पर कितना आ गया 7,80,000। अच्छा ये ओपनिंग हो गया। अब यहां पर आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, दोबारा से बताइए कितना निकालेंगे। 88 आ रही है पर यूनिट इंटू 1500, कितनी आ गई चेक करिए जी। कितने बच्चों ने 1,32,000 रुपए बिल्कुल ठीक निकाला, हाथ ऊपर करें जरा। कितने बच्चों ने अभी निकाल पहुंचे नहीं, यहां तक पहुंचे नहीं, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचे नहीं, पहुंचिए पहले फटाफट पहुंचिए और चेक करिए कि 1,32,000 आ रहा है नहीं, बिल्कुल ठीक फिगर बताइए मैडम ने। बताइए जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में वेरिएबल कितना है। अच्छा फिक्स तो 12 ही है, अच्छा फिक्स तो 12 ही है, तो फिक्स को 12 ही रहने दीजिए। 7,94,000 आ गया, और यहां पर आ जाइए 7,94,000 के बाद सेल्स आ जाइए और आंसर आने वाला है 7,94,000। सेल्स कितनी है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट बताइए, मैं तो रुक गया हूं जी, ये मैंने यहां तक कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट 22, सेल्स 8,16,000, मैं यहां तक रुक गया हूं, आप आराम से देख लीजिए कहां पे पहुंचे, मैं इसे आगे चलने नहीं वाला, बस यहां तक बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आधे से आधा काम हो गया हमारा। घर में आपने इसकी वर्किंग कैपिटल निकालनी है, ट्राई तो करनी है। चलिए इसमें कुछ पूछना है ईयर टू में किसी ने, ईयर टू में पूछना किसी ने, पीछे वाली स्लाइड दिखाऊं या हो गई, ये देख लो पीछे वाली, ये रही ये रही ये रही, क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सबको समझ आ गया है, निकाल के दिखाऊं, बोलो निकाल देता हूं। देखो जिन्होंने नहीं निकाला एक बार देख लो, ओपनिंग वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स प्लस करंट ईयर्स प्रोडक्शन इन यूनिट्स। पिछली बार का 1,00,000 था प्लस क्या था, इस बार का कितना है 7,00,000, इस बार का देखिए 780 है, पिछली बार का 1,00,000 था तो 780 780, और पिछली बार के यूनिट्स कितने थे और इस बार के कितने, ये आ गया जी 88 रुपीज पर यूनिट, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या 88 समझ आ गया सभी को, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। इसी इन्हीं बातों के साथ आज हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहले 3 लेक्चर्स तक एक आपको आइडिया लग चुका है कि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करनी कैसे है, और मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में नहीं किया, क्योंकि मैं अभी कंसेप्ट नंबर 19 तक करा चुका हूं, मुझे खाली 4-5 कंसेप्ट रहते हैं वो बताने और इस चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट 19 तक 1 से लेकर 10 तक मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, 1 से लेकर 10 तक